हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो बढ़िया होने ही चाहिए गाइस। तो गाइस अब चेक कर सकते हो गाइस, ये अपनी जीटी खड़ी है और ये अपनी बुलेट खड़ी है गाइस। दोनों ही जो है मतलब कि बेस्ट है और काफ़ी सुंदर लगती हैं दोनों एक साथ खड़े हुए। तो गाइस आज मैं वीडियो लेके आया हूँ, लेके आया अपनी जीटी 650 पे, जिसके बीच में मैंने LED के अपने बल्ब इंस्टॉल किए थे, उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है। जिस जिसने नहीं देखी है जिस भाई ने, वो जाके मेरे चैनल में मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ पर जाके वीडियो देख सकता है। तो गाइस अभी इसमें टाइम आया हुआ है फ्लैशक्स का मॉड्यूल, जो 1000 लाइट फ्लैशर है उसको इंस्टॉल करने का। तो गाइस जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, तो ये वो प्रोडक्ट है जो कि आ चुका था। तो अभी टाइम आ गया गाइस इसको इंस्टॉल करने का। गाइस ये फ्लैशर मैंने अपने बुलेट में भी इंस्टॉल कर रखा है, जैसे आप देख सकते हो वो यहाँ पर इसका स्विच है। तो गाइस इसका एक ये खासियत है, इसमें कोई स्विच नहीं है, कोई वायर कटिंग नहीं होगी इसमें, सिंपल आपका प्लग एंड प्ले है। तो जल्दी इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके बीच में क्या क्या है। गाइस सबसे पहले इसको अनबॉक्स करने से ये आगे गाइस, ये आगे इसके कपलर, जैसे आप देख सकते हैं गाइस इसके तीन जो हैं वो प्लग हैं, ये सिर्फ प्लग एंड प्ले है। इसको हमें सिंपली इंस्टॉल करना और ये लग जाएगा गाइस। तो उसके बाद ये आ जाएगा इसका बिल, जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, आप चेक कर सकते हैं गाइस। ये मुझे पड़ा था 1700, मतलब 1800 का पड़ा था गाइस ये। तो इसको रखते हैं साइड पर और गाइस इसको निकालते हैं बाहर। तो गाइस फाइनली जो हमारा फ्लैशक्स का मॉड्यूल है वो ये है गाइस, कुछ इस तरह से दिखता है ये गाइस। इसको भी रखते हैं साइड पे और देखते हैं इसमें क्या है गाइस। और इसमें आ जाता है वारंटी कार्ड, जिसमें हमें पूरा एक मतलब कि उनने पूरा हमें बताया होगा कि इसको कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे पैटर्न चेंज करना है, कैसे डीएक्टिवेट करना है। ये पूरा मैनुअल आ गया गाइस हमारा। और एक ये कंपनी हमें देती है स्टिकर, फ्लैशक्स का स्टिकर काफ़ी अच्छा लगता है गाइस। इसको देखते हैं अभी कहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, पर फिलहाल इन सब चीज़ों को रखते हैं साइड पर, इसको भी, इसको भी और इसको भी, और जल्दी से करते हैं इसको इंस्टॉल। इसको यहाँ पर रख देते हैं गाइस इसके ऊपर। तो इंस्टॉल करने के लिए गाइस सबसे पहले इसको हम खोलेंगे। इसको निकालेंगे गाइस, इसको रखते हैं यहाँ पे और सीट को खोलते हैं और सीट को भी रखेंगे यहाँ साइड पे। तो गाइस में सबसे पहले ध्यान रखने वाली चीज़ जो है वो ये है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। गाइस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको ये प्लग दिख रहा होगा, ये वाला, इसको हमने खोलना है गाइस। गाइस ये हमारा खुल गया हुआ है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। जैसे आपको ये दो एंड दिख रहे हैं, मेल और फीमेल कपलर, हमने सबसे पहले ये जो सिंगल वाला है ना गाइस, इसको निकाल के हमने इसको इसके बीच में इंस्टॉल करना है। ये इसमें इंस्टॉल हो गया गाइस। और उसके बाद ये मेल कपलर को फीमेल के साथ और फीमेल को मेल के साथ ये यहाँ पे, और इसको यहाँ पे। जैसे कि गाइस आप चेक कर सकते हैं, कोई वायर कटिंग नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ, ये हमारा फ्लैशर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो गाइस इसको अभी हम रखेंगे यहाँ पे साइड पे ऐसे। अभी इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है, ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को ऑन करना पड़ेगा। बिल्कुल गाइस ये आप चेक कर सकते हो, ये दो लाइट हमारी जो है वो ऑन हुई थी और उसके बाद हमारे चारों इंडिकेटर्स जो है वो ब्लिंक हुए थे। अगर आपको नहीं चेक ध्यान दिया आपने, मैं फिर से एक बार करता हूँ। ये इग्निशन ऑफ किया गाइस, इंडिकेटर भी चेक करना गाइस इसको, और इन दो लाइट्स को भी चेक करना। देखो गाइस आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। तो गाइस अभी इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको हम रखते हैं यहाँ पे, अभी हम आगे का प्रोसेस जब वो शुरू करते हैं मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। जैसे कि गाइस इसको हमने यहाँ पे इंस्टॉल, ये यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं।
और अभी हम इसका आगे का मैनुअल पढ़ते हैं। इसके मैनुअल पे लिखा है एक्टिवेट करने के लिए, सॉरी ये वारंटी कार्ड आ गया, ये है इसका मैनुअल। भाई तू कहाँ जा रहा है? इसके मैनुअल पे लिखा हुआ है गाइस, सबसे पहले इसको एक्टिवेट करने के लिए एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट और फिर ऑन करना है। तो गाइस करते हैं इसको राइट लेफ्ट राइट ऑन। तो गाइस जैसे आप चेक कर सकते हो भाई, मेरे सभी इंडिकेटर्स जो हैं वो बिल्कुल एक्टिवेट हो चुके हैं। चेक करो गाइस, देखो गाइस अभी इस पे लिखा हुआ है कि पैटर्न चेंज करने के लिए राइट प्रेस। बिल्कुल गाइस हमारा पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है गाइस, ये चेक करो गाइस, ये देखो। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगला पैटर्न लगाने के लिए राइट प्रेस और अगर पिछला पैटर्न लगाने के लिए लेफ्ट प्रेस। हम अगला पैटर्न लगाते हैं राइट प्रेस। ये गाइस हमारा अगला पैटर्न आ गया, पैटर्न चेंज हो गया गाइस हमारा। और गाइस इसके ऊपर लिखा हुआ कि अगर हमें डीएक्टिवेट करना है, डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, डीएक्टिवेट करने के लिए भी सेम हमने जैसे इसको इंस्टॉल किया था ना, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट किया, वैसे इसे सेम हमने डीएक्टिवेट करने के लिए करना है राइट लेफ्ट राइट ओके। तो गाइस जैसे आप चेक कर सकते हैं हमारा जो फ्लैश मतलब फ्लैशर है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। तो गाइस अभी जैसे मतलब हम चल रहे हैं, हमारी बाइक का फ्लैश ऑन है, तो हमने क्या करना है सिंपली, तो हमने सिंपली क्या करना है कि जैसे हमारा जो फ्लैशर वो ऑन है तो हमने इंडिकेटर देना है राइट का या लेफ्ट का। तो उसके लिए सबसे पहले हम फ्लैशर को ऑन कर लेते हैं। ये गाइस जैसे हमारा फ्लैशर ऑन है तो हमने सिंपली कुछ नहीं करना है, जैसे राइट टर्न करना है, राइट का इंडिकेटर दिया, ये नॉर्मली वर्क करेगा। जैसे मतलब कि अगर आपको राइट टर्न करना है, राइट इंडिकेटर दो, राइट इंडिकेटर ब्लिंक करने लगेगा। और अगर आपको लेफ़्ट टर्न करना है, आप ऑफ़ करके लेफ़्ट वाला इंडिकेटर दोगे, ये नॉर्मली लेफ़्ट वाला इंडिकेटर अपना वर्क करने लगेगा। और अगर आप इसको बंद करोगे, ये बंद हो जाएगा और अपना जो फ्लैशर है वो नॉर्मली एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब कि जैसे पहले वर्क कर रहा था और जो पैटर्न आपने पहले चूज़ किया था उसी पैटर्न में ये वर्क करने लगेगा। तो गाइस इसको छोड़ते हैं साइड पे। तो ये था गाइस इसका जो पूरा प्रोसेस, मतलब कैसे काम करता है, कैसे पैटर्न चेंज होता है, कैसे बंद होता है, और ये सब प्रोसेस था बिल्कुल इजी है। कोई इसमें कोई वायर नहीं कट करनी, कोई सिर्फ प्लग एंड प्ले है जिसको आप सिंपली हम मतलब अपनी जीटी में इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा है गाइस, ये वाटरप्रूफ है और ये सीट के नीचे आ जाएगा। अब इसको जल्दी से बंद कर देते हैं सीट को। इसको भी लगा देते हैं गाइस। गाइस ये भी हमारा हो गया फिट। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तो गाइस तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।